कि इस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता हमें जितना प्यार दे रही है उसके प्रति हमें हर पल आभार जताना है। ये बात माननी पड़ेगी कि आप लोगों ने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम के हिसाब से अगर लोकल आते तो इससे एक बटा दस होता, लेकिन जो आए वो आपके परिश्रम और उनका प्रेम। कार्यकर्ता का परिश्रम और प्रजा का प्रेम, ऐसा अद्भुत संगम कल था और उसी में से तो एक ये दिव्यता की अनुभूति होती है। मैं पूरा देश का चुनाव देख रहा हूं दोस्तों, डेढ़ महीने से हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, हम सब कार्यकर्ता निमित्त चुनाव देश की जनता लड़ रही है। और देश की जनता 5 साल के अनुभव के आधार पर अनेक आशा, अपेक्षा, आकांक्षाएं लेकर के हमसे जुड़ गई है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूरे देश के राजनीतिक चरित्र को बदल दिया है, क्योंकि पहले सरकारें बनती थी, लोग सरकारें बनाते थे, लेकिन 5 साल लोगों ने सरकार चलती है ये भी देखा है। जनता सरकार बनाती है, बनाना जनता के हाथ है, चलाना हमारी जिम्मेवारी है। और हमने ईमानदारी से उस जिम्मेवारी को निभाया है। मैंने कभी ये बहानेबाजी नहीं की कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं, अब पार्टी ने मेरे से समय नहीं मांगना चाहिए। 5 साल में एक कार्यकर्ता के रूप में आप मेरे कार्यकर्ता हैं, आप मेरे मालिक हैं। आपको मैं कार्यकर्ता के नाते हिसाब देता हूं। 5 साल में प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता के नाते, नरेंद्र मोदी के नाते पार्टी ने मेरे से जितना समय मांगा, जब मांगा, जहां मांगा, एक बार भी मैंने मना नहीं किया। कार्य समिति में भी एक कार्यकर्ता की तरह पूरा समय बैठता हूं, पूरा समय। मेरे भीतर के कार्यकर्ता को मैंने कभी मरने नहीं दिया। और प्रधानमंत्री के रूप में मैं जिम्मेवारी निभा पा रहा हूं, इसका कारण मैं पीएम के नाते जो दायित्व है उसमें सजग हूं, लेकिन एमपी के नाते जो जिम्मेवारी है उसमें भी इतना सजग हूं।
और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी उतना ही एक बिल्कुल जमीन के कार्यकर्ता के नाते कैसे काम करना चाहिए ये आपने मुझे सिखाया है। आज पार्टी हमारी बड़ी है उसका कारण अखबारों ने हमें बड़ा नहीं बनाया है, टीवी के स्क्रीन पर हम बड़े नहीं बने हैं, हम बड़े परिवारों से नहीं आए हैं, हम छोटे 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 कार्यकर्ता हैं, जैसे कृष्ण के पास ग्वाले हुआ करते थे, हम वो ग्वाले हैं, जैसे राम जी के पास हनुमान जी की पूरी वानर सेना थी, जैसे छत्रपति शिवाजी के पास छोटे छोटे किसान थे, मालवे थे, वैसे हमारी भारत मां के हम छोटे छोटे सिपाही। और कृष्ण में गोवर्धन उठाने की ताकत नहीं होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वो अपनी तछली उंगली पर वो गोवर्धन उठा सकते थे, लेकिन कृष्ण ने हमें संगठन शास्त्र सिखाया है, हर ग्वाले की लकड़ी का उसे सहारा चाहिए।